नमस्कार दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप में व्यापार करने की बिल्कुल भी इच्छा है ना, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, बहुत ही कम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है वीडियोज पे। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए कि जिससे हम नई नई वीडियोज और लेके आते रहे। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं है ना, अगर आपको दोस्तों अगर आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं ना और आपका काम थोड़ा बहुत चलने लगता है ना, तो और आपके ऊपर दोस्तों नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव कमेंट और नेगेटिव लोगों का पीछे पड़ना हो जाता है ना, तो आप मान के चलो कि आप उस व्यापार में सक्सेस होते जा रहे हो, मतलब आपको कामयाबी मिलती जा रही है, तो ही नेगेटिविटी आपके पीछे लगती है। और अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। बट कहना, जैसे कि मैंने इस उदाहरण को इसलिए लिया है क्योंकि दोस्तों मेरी वीडियो के नीचे भी एक या दो ऐसी यूजर्स की आईडी है जो मेरे वीडियो के ऊपर नेगेटिव कमेंट करे कि फ्रॉड है, ऐसा है वैसे, ठीक है। अगर कोई भी मेरा जेन्युइन कस्टमर है जो अगर वो उसके साथ कोई भी प्रकार का गलत हुआ है ना, तो वो रिव्यू दे सकता है, तो मैं मानूंगा कि हाँ भी मेरी गलती की वजह से किसी के साथ कुछ हुआ। बट दोस्तों, मैं 99% ट्राई करता हूं कि किसी के साथ भी गलत ना हो। अगर किसी का 10 रुपए का भी नुकसान होता है ना, तो मैं उसको अपनी साइड से देने की कोशिश करता हूं। बट कहना, मैंने एक बिहार के बंदे के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, वो बिहारी के ऊपर, तो दोस्तों वो बंदा है ना, वो मेरे को लगता है 101% वो कमेंट कर रहा है, क्योंकि क्या है ना, उसका मैंने मतलब वो फ्रॉड कर रहा था ना, उसका मैंने उजागर कर दिया है कि वो कैसे फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ। बट मेरे को कोई इश्यू नहीं होता अगर वो फ्रॉड कर रहा है, बट वो मेरे प्रोडक्ट को लेके फ्रॉड कर रहा है ना, तो मेरे को इश्यू था। ऐसे लोग तो क्या है ना, दिल्ली में सदर बाजार में काफी बहुत, डेली के पता नहीं कितने लोग, कितने दुकानदार फ्रॉड करते हैं, तो मैं हर किसी को पर वीडियो थोड़ा बनाने बैठूंगा। बट क्या है, मेरे प्रोडक्ट का यूज करके अगर कोई फ्रॉड करता है तो मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। और हैने को तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, काफी जगह लोगों के साथ धोखा होता है, काफी महंगी रेटों में बाय करते हैं, फिर इधर आने के बाद बोलते हैं यार भैया हमने तो उधर बाय कर लिया था, एक यूपी का बंदा आया था। बट मैं ज्यादा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट वो मेरे साथ सामान लेके गया, मेरे से संतुष्ट है, ठीक है। एक बार लेने के बाद परमानेंट कस्टमर बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार अपन बाय कर लेंगे ना, तो उस मतलब जो सर्विसेज मिलेगी ना, जो टाइम टू टाइम, मतलब जैसे कि आज आपने ऑर्डर दिया तो मैं पहले ही बता दूंगा कि भैया कल निकलेगा या परसों निकलेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है। बट इस बात को यहीं पे एंड करते हुए बिजनेस की बात करते हैं, है ना। अब देखो, ज्यादा किसी के बारे में बताना भी गलत है, क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों का ऐसा हो गया है कि देखो मेरा काम है कि फ्रॉड के बारे में अपडेट करना, अब आप मानो या ना मानो वो आपका आपकी इच्छा है कि आप कहीं से बाय करो, मेरे को कोई वो नहीं है। बट ये कि मेरा काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है ना, तो वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं है ना। तो दोस्तों, कैंडी का बिजनेस काफी लोग करते हैं, काफी हर जगह चलता है, गांव देहात हर जगह चलता है, कैसा भी एरिया हो हर जगह कैंडी का व्यापार चलता ही चलता है, ठीक है। बच्चों को कैंडियाज काफी पसंद आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा मतलब वही कैंडी के बारे में लेके आए कि आप जो कैंडी होती है ना, देख सकते हो, जैसे आज की वीडियो में लंदन डेयरी है, ठीक है, ये 50 पैसे की सेल होती है, ये अपने यहां से 84 रुपए केजी, 50 किलो लेने पर, 50 किलो का ऑर्डर देने पर 50 किलो में आप 5 प्रकार की वैरायटी मिक्स कर सकते हो, इंक्लूड जीएसटी 84 रुपए में, जीएसटी का कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं पे करना होगा, इंक्लूड जीएसटी मिल जाएगी 84 रुपए केजी के अंदर, ठीक है। 84 के अंदर आपको मिलने वाले हैं 420 दाने, ये 420 दाने, काफी दाने का साइज भी काफी बेटर है, बिल्कुल हल्का दाना भी नहीं है और बिल्कुल ज्यादा भारी दाना भी नहीं है, मीडियम दाना है, 50 पैसे की आराम से सेल हो रही है मार्केट में, ठीक है। ये आपको मिलने वाली 420 पीस, ये मतलब 420 का मतलब है कि ये आपको 20 पैसे की पर कैंडी पड़ जाएगी दोस्तों, 20 पैसे की एक कैंडी पड़ने वाली है आपको। देख सकते हो दोस्तों, जो भाई बोलते हैं कि हमको इसी का ही सेम पावर रैपर चाहिए, वो हमारे पास नहीं मिलेगा दोस्तों, क्षमा करना, जो आइटम नहीं है उसकी साफ साफ मना कर दूंगा, क्योंकि झूठ बोल के काम करना पसंद भी नहीं है, ठीक है। काफी लोगों का फोन आता है कि भैया आपकी फैक्ट्री है, जब भैया फैक्ट्री नहीं है ना, तो फैक्ट्री बताने का कोई भी मतलब नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, हमारी ट्रेडिंग है। और बहुत से लोग क्या है ना, झूठ बोलते हैं कि भैया हमारा ही माल बन रहा है, ये हमारा बन रहा है, ये खिलौना हमारा बन रहा है, और एक्चुअल में होता ही कुछ और है ना, ठीक है। तो ऐसा मल्टीपर्पज पाउच आता है, ये मल्टीपर्पज पाउच आता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना, ये मल्टीपर्पज पाउच है, इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश फ्रूट कैंडी, मतलब टॉफी के लिए लिखा हुआ है, और पीछे की साइड से ट्रांसपेरेंट भी है, जो आपको टॉफी दिखेगी भी, मतलब अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओगे ना, तो उसको दिखेगी भी कि ये वाली टॉफी है ना। तो दोस्तों, ये इसमें आपको 150 पीस डालने, 150 पीस मैंने डाल लिए और इतना भर गया है और इतना खाली रह गया है ना, अगर आप इसको ऐसे सील करते हो ना, तो ये ऐसा मतलब काफी अच्छा भरा भरा दिखेगा पैकेट, बिल्कुल ना खाली दिखेगा ना बिल्कुल फुल दिखेगा।
अगर आपके पास दोस्तों स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है ना, मत लो सीलिंग मशीन, स्टेपलर लो, स्टेपलर से पिंच कर लो, ठीक है। सादा सीलिंग मशीन आती है एक 250-300 की करीब की, ऑनलाइन मिल जाती है, नहीं तो काफी लोग जुगाड़ करके बनाते हैं, तो उससे भी ऐसे सील कर सकते हो, मोमबत्ती से सील कर देखो, जैसे करना चाहो ना वैसे कर लो। बात यह है स्टार्टिंग है, कैसे ही कर लो, शुरुआत करो बिजनेस की, मेरे से करो और किसी के साथ काम करो कोई मतलब नहीं है। बात है जिसका व्यापार पसंद आए ना, जिस आपको तो नॉलेज लेनी है, नॉलेज 10 जगह से लो, जिससे माल सस्ता मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, वहां से काम करो, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने डाली 150 पीस, यानी 75 रुपए का ये पैकेट की वैल्यू हो गई मार्केट में, मतलब 75 रुपए का इसके अंदर माल चला गया है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों हमने 150 पीस डाली, तो ये हमको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने को पड़ रही है 30 रुपए की, मतलब ये 30 रुपए का अपने को रेडी होके पड़ रहा है ये ना, ये पैकेट अगर 30 रुपए का पड़ रहा है दोस्तों, 30 रुपए का ये पैकेट पड़ गया, 1 रुपए की अपन ने इसके पीछे ये लगाई है, रैपर लगाया है 31 रुपए, 3 रुपए का और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लो 34 रुपए। अगर आप है ना मार्केट में जाओगे है ना, 10 रुपए मतलब 45 का भी आपने बेच दिया ना, 11 रुपए का मार्जिन लेके 45 का बेच दिया, 45 में शॉपकीपर को मिल रहा है 75 का माल, मतलब 30 रुपए पर पैकेट में शॉपकीपर को फायदा है, आपके 11 रुपए पर पैकेट का फायदा है। बट दोस्तों आप एक फ्लेवर नहीं, आपको ऐसे 8 फ्लेवर, 10 फ्लेवर लेके जाओगे, 5 फ्लेवर लेके जाओगे, अगर एक शॉपकीपर ने 5 फ्लेवर के 5 पैकेट भी ले ली, क्योंकि उसको मार्जिन अच्छा मिल रहा है। आप इसके ऊपर स्कीम चला दीजिए, 10 रुपए पैकेट में बढ़ा दीजिए और कुछ ऐसा स्कीम चलाइए जो शॉपकीपर को काफी अट्रैक्टिव लगे, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना दिमाग लगाते हो बिजनेस में और कितना क्या कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों 11 रुपए पर पैकेट के हिसाब से एक शॉपकीपर ने 5 पॉलिथीन ले ली ना, अगर आपके पास 10 फ्लेवर है तो 5 भी ले ली ना, तो आपके 55 रुपए पर शॉपकीपर से कमाई हुई है। ऐसी आप 10 दुकानें भी टारगेट कर लेते हो ना, दोस्तों 500 रुपए इजीली कमा लोगे। यानी दोस्तों कमाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये कि मेहनत आपको करनी होगी। हम बता सकते हैं कि हम ऐसे नहीं, मतलब बहुत से लोग फिर ज्यादा डिटेल रिव्यू में पूछते हैं, दोस्तों एक बार स्टार्ट कीजिए, एक बार चाहे अपने मार्केट के होलसेल मार्केट से ही बाय करके अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, चाहे दोस्तों 5 रुपए पर पैकेट पे आपका लॉस हो जाए, बट कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सेल कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में 500-1000 रुपए का माल लेके भी निकल लीजिए, ठीक है, वहीं से ही फिर आपको लगता है कि ये मार्केट में चल रहा है, चलने वाला आइटम है, फिर आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो या और किसी के साथ जुड़ के काम कर सकते हो, जहां से भी आपको सही मिले ना वहां से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइडिया लीजिए जहां से आपको बेस्ट सर्विसेज मिले, बेस्ट आपको सुविधा मिले, बेस्ट आइटम मिले, बेस्ट रेट मिले, वहां से काम कीजिए। दोस्तों ऐसे पैकेट आप इजीली बना सकते हो, इसमें एक ही फ्लेवर नहीं, काफी सारे फ्लेवर आप डाल के बना सकते हो। देख सकते हो ये लंदन डेयरी है, ठीक है, ये 25 पैसे में चलती है, बहुत से लोग 50 पैसे में बोलते हैं, और काफी मार्केट में 50 पैसे में भी सेल होती होगी, मेरे को आइडिया नहीं है इसका, हमारे यहाँ 25 पैसे में सेल होती है, ठीक है। ये मिल जाएगी, देख सकते हो एनी टाइम करके है, मतलब पाले की एल्पली में आती है वैसी, और ये कच्चा आम मिल जाएगी, और ये देख सकते हो लव कैंडी वाली मिल जाएगी, कच्चा आम मिल जाएगी, काफी सारे फ्लेवर है और भी फ्लेवर। आपकी दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट हुआ ना, प्यार हुआ, तो दोस्तों इतने नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आऊंगा, और इतनी मतलब देखो जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे ना, कैंडियां लाने की ट्राई करूंगा और ज्यादा, ठीक है, साथ के साथ लॉलीपॉप वगैरह भी काफी ज्यादा न्यू आइटम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट ये कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और नई नई रेगुलर वीडियोस अब हम लाते रहेंगे, ट्राई करूंगा कि नई नई वीडियोस आती रहे। बस ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोई जानकार है जो काम करना चाहता है, जो काम की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, उसके साथ शेयर कीजिए, जिससे उसको काम की इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों हम तो ये बोलेंगे अगर हमारे साथ काम करना है ना, तो मिनिमम ऑर्डर 50 किलो का रहने वाला है कैंडी का। अगर आप कैंडी में काम करना चाहो 50 किलो से काम शुरुआत कर सकते हो, इंक्लूड जीएसटी, जीएसटी का कोई खर्चा पे करनी नहीं होगा, इंक्लूड जीएसटी दे दी जाएगा आपको। और दोस्तों बात है 10 किलो का 5 फ्लेवर लीजिए, मार्केट में निकलिए आराम से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बेचने में। अगर आप में जुनून है ना बेचने का, तो आप आराम से बेच सकते हो। और नई वीडियो के लिए वेट कीजिए, एक और शानदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।